हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज ये सर्च लाइट की वायरिंग हो रही है और ये सर्च लाइट फिट हो रही है ब्लोरो में। ये देख सकते हैं कि 3 पिन वाली सर्च लाइट लग रही है और इसकी वायरिंग करनी है। तो एक वायरिंग मैंने निकाल लिया है और ये दूसरा वायरिंग भी निकाल लिया मैंने। तो ये दोनों वायरिंग अंदर से लिया है और ये सर्च लाइट इधर भी एक फिट होगा, एक इधर है। तो ये वायरिंग मैंने निकाल लिया है अंदर से और इसमें स्विच लगेगी ये वाली डबल पॉइंट वाली 4 पिन की पुश पुश स्विच। आइए इसके अंदर में देखते हैं कनेक्शन। यहाँ से तार निकाल लिया मैंने दोनों को और अब ये स्विच को खोल के हटाऊंगा और इसकी जगह पे उसको लगाऊंगा, तब कंटिन्यू करें फिर देखें। मैंने वायरिंग निकाल लिया ये स्विच और इस स्विच की वायरिंग कर चुका हूँ मैं। तो एच है, आर है और ये मेन है। तो मेन लाइन इसमें आएगा और आर से मतलब राइट साइड का होता है, पर लो बीम इसमें आएगा, लो बीम हेड लाइट का, और हाई बीम इसमें आएगा। एच है तो हाई बीम इसमें आ जाएगा। ये 2 पॉइंट वाला स्विच है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट का स्विच है। तो आप देख सकते हैं इसका वायरिंग बहुत ईजी है। ये मेन लाइन इसमें आएगा, ये वाले में मेन लाइन आएगा और ये वाले में लो बीम आएगा और ये वाले में हाई बीम आएगा। कि जब एक सप्लाई इसमें ऑन करेंगे तो इसमें और इसमें दोनों में सप्लाई आता है। जब एक स्विच ऑन करने से दोनों में सप्लाई आता है, फिर दूसरा स्विच ऑन करने से इसका सप्लाई कट जाएगा और इसमें ही रहेगा, फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वायरिंग पूरा ईजी है, ईजी है, वायरिंग कर सकते हैं आप। इसका 2 पॉइंट वाला स्विच है, इसका कर सकते हैं वायरिंग। हमने वायरिंग अंदर से खींचा था, अभी एक वायरिंग 1 पॉइंट चला के दिखाता हूँ मैं आपको। 1 पॉइंट चला के दिखाता हूँ, जैसे कि चलो हाई बीम के चला देता हूँ। हाई बीम का ही चला के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं कि हाई बीम जल रहा है, बॉडी अर्थ है, हाई बीम जल रहा है। और ये हाई बीम जल रहा है, हाई बीम का ये वायरिंग है। ये रेड वाली तार जो है, ये रेड वाली तार है हाई बीम है, ये लो बीम है, ये अर्थ है। तो हाई बीम मैंने चेक करा दिया, अब लो बीम चेक करा देता हूँ। इसको तार को छीलता हूँ अभी, फिर लो बीम आपको चेक कराता हूँ मैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैं कनेक्शन कर रहा हूँ और ये वाइट वाली जो तार है ये लो बीम की तार है और लो बीम के कनेक्शन कर रहा हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं कि ये वाइट वाली है, ये लो बीम है, और ये जो रेड वाली है बगल में रेड वाली है, वो रेड वाली हाई बीम की लाइट है, हाई बीम की कनेक्शन है। तो ये येलो वाली मैं जोड़ रहा हूँ, जो रेड वाली मैं जोड़ रहा हूँ, ये हाई बीम की लाइट है और ये हाई बीम की कनेक्शन है। तो तार ऐसे देख सकते हैं आपकी कि मतलब लो बीम और हाई बीम का कनेक्शन कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हैं कि टेपिंग वगैरह हो रहा है और टेप होगा। इसकी वायरिंग वगैरह इजी है करना, कोई ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं नॉर्मली सिंपली से कर सकते हैं आराम से। और ऐसे वायरिंग ध्यान रखिए कि जब जोड़े तो ऐसे जोड़े, तो क्योंकि ऐसे वायरिंग जोड़ने से पकड़ होती है वायरिंग में और मजबूती होती है, सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को, कि मतलब वायरिंग सपोर्ट रहती है, सही रहती है, मतलब पकड़ तेज़ होता है। तो अब देख सकते हैं कि इसका भी मैं लो बीम का वायरिंग का कनेक्शन कर रहा हूँ, ये लो बीम है। और ध्यान में रखें कि लो बीम और हाई बीम ध्यान में रखें, और अंदर भी स्विच पे ध्यान रखें कि कौन से लो बीम का तार है, कौन से हाई बीम का तार है, क्योंकि एक पॉइंट पे लो बीम ऑन होना चाहिए, दूसरे पॉइंट पे हाई बीम होना चाहिए। तो ये रेड वाला जो है ये हाई बीम का लाइट है और ये हाई बीम मैं जोड़ रहा हूँ। और देख सकते हैं कि तार की मजबूती ऐसे पकड़ कितनी हैवी बनती है। पहले आपने देखा था, अब सब अपने अपने तरीके से करते हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही जोड़ता हूँ क्योंकि मोटी तार होती है तो ऐसे जोड़ने में बेटर होता है, और थोड़ा पकड़ भी इसका बहुत हेवी होता है, और ऐसे रहने पे पकड़ भी हेवी होता है, और दूसरी बात की टेप वगैरह भी, टेपिंग भी अच्छी से हो जाती है एकदम, और तार कहीं पे एक जगह पे मोटा भी नहीं होता, कहीं पे पता भी नहीं लगता कि मतलब जॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा मोटा वोटा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देख सकते, ख्याल में रखिए कि वायरिंग वायरिंग हो चुका है, मैंने दोनों वायरिंग कर दी है, ये वायरिंग कम्प्लीट है यहाँ से। अब मैंने बॉडी अर्थ दे दिया, अर्थिंग मैंने बॉडी में ही दिया है, देख सकते हैं इसका भी अर्थिंग मैंने बॉडी में ही दिया है।
मेन लाइन का मैंने दे दिया, अब चलो दिखाता हूँ कि जला के। ये मेन लाइन है और ये लो बीम वाली है और ये हाई बीम वाली है। ये येलो वाली हाई बीम है और रेड वाली लो बीम है, और ये ब्लू ब्लैक जो आप देख रहे हो ये मैंने मेन लाइन दे रखा है। तो चाबी ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको कि फिर जल रही है कैसी। देख सकते हैं आपकी लो बीम ऑन हो चुका है, एक पॉइंट जल रही है बल्ब की और एक पॉइंट ऑन हो चुकी है। और चलो मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ, तो दूसरा पॉइंट देखिए कि हाँ दूसरी पॉइंट भी जल रही है। तो ऑल ओके है, मतलब वायरिंग कंप्लीट है, फिटिंग हो चुकी है। सर्च लाइट अभी और चाबी ऑन कर लिया अपन ने, आप करेंगे एक पॉइंट का स्विच ऑन, उसके बाद दिखाते हैं कि लाइट जली कि नहीं जली। जल चुकी है लाइट, फाइनल फिट हो चुका है, फाइनली फिटिंग हो चुकी है। स्टार्ट है गोरी, स्टार्ट हो लो। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।